हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉन्चपैड एजुकेशन। माय नेम इज वैशाली कंबोज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दुगोंग सैंक्चुरी के बारे में। दुगोंग एक्चुअली एक मरीन एनिमल है जिसको आप यहाँ पर फोटो के अंदर देख सकते हैं। इसको कंजर्व करने के लिए एक सैंक्चुरी बनाई जा रही है जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन। हेलो एवरीवन, COVID-19 पैंडमिक और लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे इंडियन फैमिलीज इमोशनली फाइनेंशियली सफर कर रही हैं। ऐसे टाइम में इफ यू हैव द स्ट्रीम ऑफ बिकमिंग एन IAS और IPS ऑफिसर, तो हर फैमिली लाखों रुपए नहीं स्पेंड कर सकती। सो एज एन एजुकेशन वेंचर वी आर ट्राइंग टू स्टार्ट एन इनिशिएटिव जिसमें हम ऐसी सभी फैमिलीज को सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। फ्रॉम द सेफ्टी एंड कंफर्ट ऑफ योर होम यू कैन ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2023 और 2024 UPSC अटेम्प्ट, यू कैन रजिस्टर ऑन द लिंक गिवन बिलो। इस लिंक पर आपको सबसे पहले ये क्या इनिशिएटिव है इसके बारे में हम जानकारी देंगे। वी आर गोइंग टू अनाउंस अबाउट दिस इनिशिएटिव ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एज वेल, टेलीग्राम चैनल लॉन्चपैड एजुकेशन पर भी हम इसकी अनाउंसमेंट करेंगे। लेकिन इफ यू आर द रजिस्टर्ड स्टूडेंट यूजिंग द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, तो आपको सबसे पहले ये मौका मिलेगा। एंड इफ देर आर लिमिटेड सीट्स यू कैन ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। तो अगर आप IAS की तैयारी करने का प्लान कर रहे हो लेकिन फाइनेंशियल ट्रबल्स की वजह से आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे, तो आपको इस लिंक पर रजिस्टर करना है। एंड दीज आर नॉट गोइंग टू बी बिग फेक मार्केटिंग स्लोगन्स, वट एवर वी आर गोइंग टू प्रॉमिस हम वो डिलीवर करेंगे। एंड वी विल मेक श्योर दैट लैक ऑफ मनी आपकी तैयारी ना करने का बहाना ना बन पाए। Contents में we are going to talk about the context that why we are talking about this sanctuary. Dugong के बारे में और ज्यादा जानेंगे, उसके natural habitat, shelter, breeding, etc. जितने भी related topics हैं उनको देखेंगे. Then we'll understand the threats and challenges in conservation, some legislative protections regarding dugong and other conservation efforts in India. Current affairs की ऐसे ही और videos के लिए please आप subscribe कीजिए हमारे YouTube channel को, और ज्यादा अपडेट्स के लिए यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। एंड अगर आपको PDF चाहिए इस वीडियो की, तो प्लीज आप ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल। थैंक यू सो मच। कंटेक्स्ट को देख लेते हैं। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली ही September 3, 2021 को अनाउंस किया कि वो लोग इंडिया का पहला दुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो बनाने वाले हैं। कहाँ पर बनाने वाले हैं? पार्क बे में। पार्क बे इज एन एरिया विच इज नियर टू तमिलनाडु। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। इसका एरिया जो रहने वाला है वो होगा 500 स्क्वायर किलोमीटर। तो इंडिया का पहला दुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो बनने जा रहा है। दुगोंग को कंजर्वेशन की क्यों जरूरत है, क्या इसके थ्रेट्स हैं, क्या हमारे सामने चैलेंजेस हैं और क्या इसके रिलेटेड फीचर्स हैं, इसके बारे में हम आगे वीडियो के अंदर जानेंगे। दुगोंग इज कॉमनली नोन एज सी काउ। क्यों इसको ऐसा कहा जाता है? बिकॉज ग्रास जो अवेलेबल होती है सी के अंदर, दैट इज सी ग्रास, उसके ऊपर ये एनिमल जो है वो फीड करता है। So basically this is an endangered marine mammal that is facing extinction due to water pollution, habitat loss and loss of seagrass. Kis tarah se? Aage detail mein baat karte hain. Common name is animal ka hai dugong. Scientific name is dugong dugon. It is a type of a mammal. Matlab ye garbhadharan karke hi apne bachchon ko janam deta hai, reproduce karta hai and feed karta hai usko through mammary glands. Diet jo hai iska herbivore hai. ये किसी भी तरह के और एनिमल्स के ऊपर फीड नहीं करता, सो इट ओनली कंज्यूम्स सी ग्रास। ग्रुप नेम इसका हर्ड है, तो जब कम्युनिटी के अंदर दुगोंग्स इकट्ठे होते हैं तो हम उनको हर्ड कहते हैं। एवरेज लाइफ स्पैन इस मैमल का है 70 years, एंड इट्स साइज इज अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 feet, एंड इट वेज अराउंड 510 to 1100 pounds। और अगर रिलेटिवली अगर हम एक 6 feet मैन से कंपेरिजन करें, तो यू कैन सी हियर इन द पिक्चर इतना रिलेटिव साइज इसका है। दुगोंग का जो ब्रेन है वो बहुत ही छोटा ब्रेन होता है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्योंकि इसको काम नहीं करने पड़ते इसलिए ब्रेन भी छोटा है। बॉडी साइज के कंपैरिजन में हम लोग बात कर रहे हैं। और इसकी एक डिस्टिंक्ट डॉल्फिन की तरह टेल भी होती है। दुगोंग नेवर एंटर्स फ्रेश वाटर, तो हमेशा आप सी के अंदर ही इसको पाएंगे। एंड देयरफॉर द ओनली एक्सक्लूसिवली हर्बीवोरस मरीन मैमल है। बाकी सारे जो मैमल्स हैं वो जनरली ही फीड करते हैं और मरीन एनिमल्स के ऊपर, लेकिन ये जो है वो हर्बीवोरस है, ये सीग्रास के ऊपर ही फीड करता है। इट इज द ओनली मेंबर ऑफ दुगोंगिदे फैमिली। तो दुगोंगिदे फैमिली से ये बिलोंग करता है और इसका बहुत ही मिलता जुलता एक और स्पीशी जो है वो एग्जिस्ट करती है, विच इज मनाटीज। तो मनाटीज और दुगोंग को आपने सिमिलर नहीं समझना है, वो एक जैसे नहीं है, दे आर वेरी डिफरेंट, लेकिन थोड़े बहुत सिमिलर इन अपियरेंस है।
और जो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी है वो भी बहुत दूर दूर है, जहां एक और डुगोंग्स जो हैं वो थोड़े पैसिफिक और इंडियन ओशन की तरफ पाए जाते हैं, और मनातीज जो हैं वो बहुत ही फार अवे फ्रॉम दिस एरिया, दैट इज अराउंड अमेरिका और कैरेबियन सी जो है वहां पर ये ज्यादा पाया जाता है. द क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ द स्पीशीज टेलस सी काउ, जो आज की डेट में एक्सटिंक्ट हो चुकी है, तो इससे काफी मिलता जुलता डुगोंग है. प्रेजेंटली अराउंड 200 डुगोंग्स आर बिलीव टू इनहेबिट मरीन रीजन ऑफ तमिलनाडु, विच इज वाई वी आर हैविंग दिस कंजर्वेशन रिजर्व हियर. तो बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर यहाँ पे अवेलेबल होते हैं. लोकली इसको जो नाम दिया गया है दैट इज आबुली, तो साउथ इंडिया में इसको इस नाम से पुकारा जाता है. वर्ल्ड डुगोंग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन May 28 एवरी ईयर, तो 28 मई को डुगोंग डे मनाते हैं, और इस दिन इसके कंजर्वेशन के लिए बहुत सारे एफर्ट्स जो हैं वो लिए जाते हैं, बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो हैं वो चलाए जाते हैं स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नेचुरल हैबिटेट ऑफ डुगोंग. नेचुरल हैबिटेट इसका क्या है जी, ये वार्म कोस्टल वाटर्स में मिलता है. तो पहली बात वार्म, सेकेंड थिंग इज कोस्टल वाटर्स, दैट इज अलोंग द कोस्ट आपको ये मिलेगा, ज्यादा डेप्थ में जाके ये एनिमल नहीं पाया जाता. और ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका टू ऑस्ट्रेलिया इंक्लूडिंग द रेड सी जोन एंड इंडियन ओशन एंड द पैसिफिक. मैप के अंदर आगे और अच्छे से देखेंगे इसको हम. ऑस्ट्रेलिया जो है वहां पर इसकी लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है वो एग्जिस्ट करती है, सो दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट टू रिमेंबर फॉर प्रिलिम्स. इंडिया की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु के अंदर दो रीजन्स हैं जहां पर ये ज्यादा पाई जाती है, वन इज गल्फ ऑफ मन्नार एंड सेकेंड इज पाक बे. गल्फ ऑफ मन्नार और पाक बे कहां पर है इसको हम जानेंगे थ्रू अ मैप. लेट अस सी हियर. तो ये जो डिटेल मैप है जहां पे वर्ल्ड मैप का एक हिस्सा दिखाया गया है, जहां पे रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है, ये सारा वो रीजन है जहां पर डुगोंग्स पाए जाते हैं. तो इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, वन एरिया इज दिस व्हिच इज तमिलनाडु, जिसको यहां पर हमने और ज्यादा हाईलाइट करके दिखाया हुआ है, और इसके अलावा हियर द वेस्टर्न कोस्ट, इसके अलोंग डुगोंग जो है वो बहुत पाया जाता है. सो लेट अस सी द डिटेल्ड मैप. यहाँ पर कच्छ रीजन हो गया, यहाँ पर पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार के अंदर पाए जाते हैं, और इसके अलावा सबसे ज्यादा जो पाए जाते हैं डुगोंग्स, दैट इज इन द गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक बे. सो पाक बे एंड गल्फ ऑफ मन्नार इज दिस वेरी नैरो एरिया, किसके बीच में, तमिलनाडु यहाँ पर लोकेटेड है और इसके और इधर श्रीलंका है, तो इन दोनों के बीच का एरिया है. इसके अलावा अगर वर्ल्ड की बात करें सो यू कैन सी यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर कितनी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ये वाला जो साउथ ईस्ट एशियन रीजन है यहां पर बहुत ज्यादा है, ऊपर जापान तक इसकी डिस्ट्रीब्यूशन प्रेजेंट है. शेल्टर की अगर हम बात करें तो जैसे हमने बात की, वार्म शालो वाटर्स के अंदर ही ये पाया जाएगा, और अपने आप को ये प्रोटेक्टेड रखता है इसी तरह से फ्रॉम लार्ज वेव्स एंड स्टॉर्म्स. वैसे तो ये पसंद करते हैं कोस्टल एरियाज में रहना, पर ये कभी कभी डीपर वाटर के अंदर भी स्विम करते हैं, फर्दर ऑफशोर भी ये कभी कभी पाए जाते हैं. जैसे कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो जहां हमें वाइड मिलेगी, शैलो और प्रोटेक्टेड एरिया होगा, वहां पर ये आपको ज्यादा मिल सकती है. कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है, आपने देखा होगा कि ओशन जब स्टार्ट होता है तो एकदम ग्रेजुअली जो है आप वाटर के अंदर जाते हैं, एक स्लोपिंग एरिया जो है वो प्रेजेंट होता है, जिसको हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं. सो इफ फ्रॉम लैंड वी आर एंटरिंग इन टू ओशन ऐसे करके, इफ इट इज प्रेजेंट, देन दिस एरिया इज कॉल्ड द कॉन्टिनेंटल शेल्फ. तो इस एरिया के अंदर काफी ज्यादा ये पाए जाते हैं. ब्रीडिंग की अगर हम बात करें तो डुगोंग फीमेल्स जो हैं उनके अंदर सेक्सुअल मेचोरिटी जो है वो अराउंड 10 ईयर्स ऑफ एज तक आती है, और हर 3 से 7 साल के बाद ये रिप्रोड्यूस करती है. फीमेल डुगोंग्स कैन गिव बर्थ अंडर वाटर एंड दे यूजली गिव बर्थ टू अ सिंगल काफ, तो एक समय पर एक ही काफ को वो जन्म देती है. डुगोंग्स जो है उनका एडल्ट साइज जो है वो रीच होता है बिटवीन 4 to 17 ईयर्स ऑफ एज. एंड जैसे हमने देखा कि इनके लो ब्रीडिंग रेट्स हैं, लॉन्ग टर्म केयर की इनके काव्स को जरूरत पड़ती होगी, लॉन्ग टाइम काव्स के बीच में भी है, 3 to 7 ईयर्स के बीच में ये लोग रिप्रोड्यूस करते हैं. एंड ऑल्सो इनका डिपेंडेंस जो है वो सी ग्रास के ऊपर बहुत ज्यादा है. सो इन सब फैक्टर्स की वजह से डुगोंग्स जो है वो वल्नरेबल हैं ह्यूमन थ्रेट्स के. इसको और ज्यादा डिटेल में हम आगे देखें. डाइट की अगर हम बात करें तो लाइक वी सेड कि इनको सी काउस के नाम से इसीलिए जाना जाता है बिकॉज दे ग्रेज ऑन सी ग्रासेस. सी ग्रासेस इज अ ग्रास दैट इज प्रेजेंट अंडर सी ऑन द सी फ्लोर. ये जो मरीन प्लांट्स हैं दे लुक लाइक ग्रास एंड ग्रोइंग ऑन अ सैंडी सी फ्लोर इन शैलो एंड वार्म वाटर्स. तो ये वार्म वाटर्स के अंदर ग्रो करते हैं और डुगोंग्स जो है वो इनके ऊपर फीड करती हैं, इसीलिए ये भी वार्म कोस्टल वाटर्स के अंदर ज्यादा पाई जाती है.
डुगोंग्स जो हैं दे कैन कंज्यूम अप टू 40 किलोग्राम्स ऑफ सी ग्रास. इतना ज्यादा सी ग्रास जो है वो ये एक दिन में कंज्यूम कर सकते हैं. डिफेंस की अगर हम बात करें तो देखिए डुगोंग्स बहुत ही स्लो मूविंग मैमल है. ये ज्यादा कुछ अपने प्रोटेक्शन के लिए नहीं कर सकता है, बट ये इतने बड़ा एनिमल है कि इसके ऊपर शिकार कर पाना बाकी एनिमल्स के लिए इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं है. दैट इज नॉट दैट कॉमन. बट अगर लार्ज शार्क्स अवेलेबल हों, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स हों, किलर वेल्स हों, तो उनसे इनको खतरा जरूर रहता है. और यंग डुगोंग्स जो होते हैं वो अपने आप के बचाव के लिए अपनी मदर्स के साथ हमेशा रहते हैं, उनके पीछे वो लोग छुप जाते हैं. एंड दैट इज हाउ दे सेव देमसेल्व्स. थ्रेट्स एंड चैलेंजेस इन कंजर्वेशन की अगर हम बात करें तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है नेट्स की. तो जब भी शार्क को कैच करने के लिए नेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जब भी फिशिंग नेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, तो कभी कभी उन फिशेस की जगह डुगोंग्स जो हैं वो उसके अंदर फंस जाते हैं. एंटैंगलमेंट इन मरीन डेब्री. मरीन डेब्री क्या होता है, बहुत सारा ऐसा वेस्ट मटेरियल जो हमारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ओशंस के अंदर जो है वो जा चुका है. इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आती है कि ओशन के अंदर वाटर पोल्यूशन जो है वो इंक्रीज होता है. वन थिंग इज दिस. सेकेंड थिंग इज कि इस मरीन डेब्री की वजह से कभी कभी डुगोंग्स जो है इनके अंदर फंस जाते हैं या वो इनको कंज्यूम कर लेते हैं, जिसके बाद उनकी डेथ्स जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन हो जाती है. नेक्स्ट इज अनसस्टेनेबल ट्रेडिशनल यूज एंड कोलिजन विद बोट्स. तो बहुत बार ऐसा भी पाया गया कि बोट्स के कोलिजन की वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि ये एनिमल्स भी सफर करते हैं. नेक्स्ट इज अनसस्टेनेबल हंटिंग और पोचिंग. तो बाकी और एनिमल्स की तरह इनकी भी हंटिंग और पोचिंग होती है. दे हैव बीन सॉट फॉर देयर मीट, ऑयल, स्किन, बोन्स एंड टीथ. तो इन सब चीजों के लिए इनका शिकार जो है वो किया जाता है. डुगोंग्स की अगर हम थोड़ी और बात करें तो एलिफेंट से ये ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है देन वेल्स एंड डॉल्फिन्स. और क्योंकि इतनी ज्यादा बड़ी है साइज के अंदर, इसलिए हंटर्स जो है वो इजिली इन मैमल्स को टारगेट कर लेते हैं. और अगर थ्रेट्स की बात करें हम यहाँ पे, तो सीग्रास मीडोज जो हैं उनके लॉस की वजह से, ये इनका एक इंपॉर्टेंट हैबिटेट है, सीग्रास जहां पे होगा वहां पे डुगोंग्स प्रेजेंट होंगी. तो इनका जो लॉस है अगर वो हो जाता है, सीग्रास अगर अवेलेबिलिटी नहीं रहती, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि डुगोंग्स भी नहीं रहेंगे बिकॉज वो उसके ऊपर फीड करते हैं. सो इस तरह से जब कोस्टल डेवलपमेंट की वजह से, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की वजह से बहुत सारा वेस्ट जो है वो ओशंस के अंदर रिलीज किया जाता है, बहुत सारा टॉक्सिक मटेरियल ओशंस के अंदर रिलीज किया जाता है, तब सी ग्रास जो है वो धीरे धीरे करके खत्म होने लगती है. तो अगर सी ग्रास नहीं रहेगी तो उसके ऊपर फीड करने वाले जो डुगोंग्स हैं वो भी नहीं रहेंगे. और इसके तहत क्या होगा कि डुगोंग्स जो है वो अंडर एंडेंजर्ड कैटेगरी आ चुके हैं. सो बिकॉज ऑफ दिस वाटर पोल्यूशन देर हैड बीन अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. सीग्रास वैसे भी जो है कार्बन सिंक का काम करती है, बहुत सारे कार्बन को ये कंज्यूम करती है और साथ साथ ऑक्सीजन को रिलीज करती है. सो फॉर हेल्दी एनवायरमेंट ऑफ द मरीन लाइफ सीग्रास इज अगेन अ वेरी वेरी एसेंशियल पार्ट. तो सीग्रास के फायदे यहाँ पर बहुत सारे हैं और डुगोंग्स इसके ऊपर फीड करते हैं, तो ओवरऑल जो फूड वेब है वो डिस्टर्ब हो जाता है और इसी की वजह से मरीन लाइफ एज अ होल डिस्टर्ब हो जाती है. यहाँ पर एक इंसिडेंट देखा गया जहां पर एक बेबी दुगोंग जिसका नाम मरियम रखा गया था, थाईलैंड के अंदर प्लास्टिक कंज्यूम करने की वजह से इस बेबी दुगोंग को इन्फेक्शन हो गया था स्टमक के अंदर, जिसके बाद इसकी डेथ हो गई. बहुत ही ज्यादा क्रूअल ये लगता है ऑन पार्ट ऑफ ह्यूमन कम्युनिटी जो आज की डेट में इतना ज्यादा वाटर पोल्यूशन जो है वो कर रहे हैं. सो यू कैन सी द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑन द मरीन लाइफ. सो इसके आगे अगर हम बात करें कि अगर सी ग्रास जो है वो इनफ नहीं होगी तो क्या होगा, दे विल नॉट बी एबल टू ब्रीड नॉर्मली. ठीक है, ऑब्वियसली उन लोगों को उतना ज्यादा प्रोटीन, उतना ज्यादा न्यूट्रिशन जो है वो नहीं मिलेगा, तो वो ब्रीड भी नहीं कर पाएंगे, तो पॉपुलेशन ऑब्वियसली विल फॉल डाउन. रिपीटेड साइक्लोन्स जब आते हैं, तो लैंडफॉल जब होता है, बहुत सारी हाई वेव्स वहां पर एग्जिस्ट करती हैं, तो जिसकी वजह से इम्पैक्ट जो है डुगोंग की पॉपुलेशन पे भी बहुत ज्यादा पड़ता है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम लेजिस्लेटिव प्रोटेक्शंस ग्लोबली ऑल्सो, और भारत के अंदर ऐसी क्या लेजिस्लेटिव प्रोटेक्शंस हैं इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे. सो फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट साइट्स. ये एक कन्वेंशन है जो काम करती है अगेंस्ट इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना. कोई भी अगर वाइल्डली अवेलेबल फ्लोरा या फौना है, एनिमल स्पीशीज या प्लांट स्पीशीज हैं जो एंडेंजर्ड हो चुकी हैं, ऐसे का इंटरनेशनल ट्रेड करने के ऊपर बैन है अंडर दिस कन्वेंशन. तो ये कन्वेंशन उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी कंजर्वेशन के लिए काम करती है. सो डुगोंग जो है इसकी लिस्ट के अंदर, अपेंडिक्स 1 के अंदर प्रेजेंट है,
अपेंडिक्स वन के अंदर अगर ये प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस स्पीशी को बहुत ज्यादा कंजर्वेशन की जरूरत है, इसके ऊपर थ्रेट बहुत ज्यादा मंडरा रहा है। सेकेंडली, IUCN रेड लिस्ट के अंदर ये वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। IUCN इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसके अलावा एक और कन्वेंशन है हमारी, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज कॉल्ड CMS, जिसके अंदर इसको अपेंडिक्स 2 के अंदर रखा गया। CMS का सिग्नेटरी इंडिया भी है, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको साइन किया था 1983 के अंदर। सो तब से लेके अब तक हम लोग जितने भी इसके अंदर पैरामीटर्स हैं, जितने भी इसके अंदर हमें गाइडलाइंस दी गई हैं, उसके लिए हम लोग कमिटेड हैं। इंडिया हैज साइंड दिस नॉन लीगली बाइंडिंग मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद CMS ऑन द कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ दुगोंग्स इन 2008। तो 2008 से हम लोग दुगोंग कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं अलोंग विद CMS। नाउ लेट अस सी सम लेजिस्लेटिव प्रोटेक्शंस इन इंडिया। तो सबसे बड़ा जो हमारा एक प्रोटेक्शन दिया गया है अंडर एन एक्ट कॉल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जिसके शेड्यूल वन के अंदर ये दुगोंग जो है ये स्पीशी लाई करती है। शेड्यूल वन के अंदर होना मतलब इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, इसकी कंजर्वेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है और सरकार जो है इसके लिए कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाने के लिए कोशिश करती रहेगी। इसके अलावा अगर हम और कंजर्वेशन एफर्ट्स की बात करें अपार्ट फ्रॉम लेजिस्लेटिव प्रोटेक्शन, सो वी हैव कैंपा, दैट इज कंजर्वेशन अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। ऐसे करके हमारे पास ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसके तहत फंड्स जो है वो इकट्ठे किए जाते हैं जब जब सरकार जो है अपने फॉरेस्ट एरिया को या कोई भी ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया जब वो किसी और काम के लिए देती है तो उसके बदले में एज एन कंपनसेटरी फंड उनसे लेती है। तो वो पार्ट किसका बन जाता है, इस कैंपा फंड का। और यहाँ पर ये जो फंड्स हैं इनको इस्तेमाल किया जाता है फॉर डिफरेंट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स, फॉर डिफरेंट एनवायरमेंटल एफर्ट्स। सो ऐसे ही एक हमने प्रोजेक्ट शुरू किया कॉल्ड दुगोंग रिकवरी प्रोजेक्ट अंडर दिस वेरी ऑर्गेनाइजेशन। इसके तहत क्या किया जा रहा है, बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स फैलाए जा रहे हैं उन कम्युनिटीज के अंदर जहां पर अलोंग द कोस्टल एरियाज ये दुगोंग्स जो हैं पाए जाते हैं। तो लोकल कम्युनिटी को जब ये नॉलेज होगी कि ये एनिमल जो है वो धीरे धीरे करके एक्सटेंट हो जाएगा तो वो लोग और भी ज्यादा कोशिश करेंगे उसको प्रोटेक्ट करने की। इसके अलावा स्पेशल अप्रिसिएशन अवार्ड्स दिए जाते हैं फिशरमैन को जो दुगोंग्स को एक्सीडेंटली कैच कर लेते हैं, तो फाइनली जब उनको रिलीज करते हैं उसके लिए उनको अवार्ड दिया जाता है। तो इट इज काइंड ऑफ एन ऑनर, इट इज काइंड ऑफ एन ऑनर दैट आप लोग जो हो वो कितने ज्यादा सेंसिटिव हो टुवर्ड्स एनी एनिमल जो भी आपके आसपास प्रेजेंट है। और फिशर कम्युनिटी जो है देखिए वो तो बहुत ही ज्यादा वाटर के क्लोज रहती है, तो उनकी जो क्लोजनेस है वो इन एनिमल्स के साथ और भी ज्यादा रहती है। इसके अलावा फिशरीज और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है दे आर वर्किंग टुगेदर, वो रेगुलर पेट्रोलिंग जो है इन एरियाज की करते रहते हैं, रेगुलर इंस्पेक्शंस जो है इन रीजन्स की होती रहती हैं जहां जहां पर दुगोंग्स जो है वो पाए जाते हैं। सो दैट वॉज ऑल अबाउट दुगोंग्स। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो प्रिलिम्स के अंदर यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। हमने दुगोंग्स के बहुत सारे फीचर्स को देखा, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पर देखा जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स के अंदर आ सकता है। इनका कॉमन नेम क्या है, किस नाम से ये साउथ इंडिया में जाने जाते हैं, कैसे एनवायरनमेंट के अंदर ये लोग रहते हैं, इनकी ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। सो एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड हियर। अगर मेंस की बात करें हम लोग तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन डायरेक्ट आने की संभावना बहुत कम है, दे विल नॉट आस्क यू डायरेक्टली अबाउट द गोंग सेंचुरी। लेकिन हाँ, एक ब्रॉड क्वेश्चन जरूर यहाँ पर डिजाइन किया जा सकता है रिगार्डिंग कि इंडिया के अंदर कौन कौन से कंजर्वेशन एफर्ट्स जो है वो लिए जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट एनिमल्स। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल एंड फॉर मोर अपडेट्स फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। And if you need the PDF of this video, then please join our Telegram channel. Thank you so much.